दोस्तों हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको एक एंटीक चीज दिखाएंगे। ये है मेरे हाथ में 1.22 पिस्टल सिंगल शॉट और ये बहुत पुराना है, शायद ये 150 साल पुराना हो। ब्रिटिश टाइम का पिस्टल है ये और सिंगल शॉट है। दर्शकों को एक बात बता दें कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, हम किसी भी प्रकार के फायरआर्म की सेल को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही गन कल्चर में यकीन रखते हैं। और ये कोई खिलौना नहीं है, इस वेपन को रखने के लिए एक वैलिड लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो इसे खिलौना ना समझें। ये पिस्टल बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में लगता है और मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या इसे रीस्टोर किया गया है। बिल्कुल असली, बिल्कुल फैक्ट्री कंडीशन में लगता है ये। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ट्रेंटर्स पेटेंट। दर्शकों को एक बात बता दें कि ये रॉयल फैमिली के पास था, हिमाचल की एक रॉयल फैमिली का वेपन था, ये उनके खानदान में था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है RB रोडास एंड कंपनी कैलकटा, RB रोडा एंड कंपनी कैलकटा। अगर हम इसकी बैरल लेंथ की बात करें तो 7.5 इंच बैरल लेंथ है इसकी। जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम है RB रोडा एंड कंपनी, इस पे कैलकटा लिखा हुआ है, लेकिन तब इंडिया भी ब्रिटिश ब्रिटेन का ही एक हिस्सा था, तो गन्स ब्रिटेन में बनती थी और फिर इंडिया में आती थी, तो उस टाइम की काफी गन्स पे कलकत्ता लिखा रहता है। तो ये आप देखें, ये यहां से खुलता है, ये इसका खुलने का मैकेनिज्म जो है, ये नीचे जो ये इसके लीवर है, एक बटन है लीवर, इसको दबाओ और इसको जब मैं आगे को दबाऊंगा ये खुल जाएगा। 5 ग्रूव्स हैं इसमें, 5 ग्रूव्स हैं और बिल्कुल चमचम करते हुए बिल्कुल नई कंडीशन में है। ये रॉयल फीलिंग होती है जब इसे घोड़े को उठाया जाता है, ये एक और ये, तो अब ये फायर के लिए रेडी है। ट्रिगर दिखाई, और इसका ट्रिगर जो है, ये है इसका ट्रिगर, अभी ये ऐसे है, देखो जब मैं इसको उठाऊंगा ये बाहर को आ गया थोड़ा, और यहीं से इसको हम दबाएंगे। और लोग कीमत के बारे में पूछते हैं, तो इसकी कीमत के बारे में ना ही पूछें तो ज्यादा बेटर है, कि एंटीक चीजें हैं और ये कलेक्टर ही इकट्ठा कर सकते हैं इसको, कोई ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है इसको लेना। ये इसको शायद ऑयलिंग भी पता नहीं कभी की गई है कि नहीं की गई है, लेकिन कोई इस पे रस्ट नहीं है और ये जिस कंडीशन में है शुरू से इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसा लगता है बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में। इसका लोहा ही इतना अच्छा है, इसको जंग ही नहीं लगा हुआ है कहीं पे। 5 ग्रूव्स हैं इसमें और ये एक रिम फायर पिस्टल है। वजन इसका अब मेरे को अंदाजा नहीं हो रहा, लगभग आधा किलो होगा या देखते हैं वजन इसका, 582 ग्राम जिसका वेट है विदाउट बुलेट, साइट और रियर साइट बड़ी अच्छी बनी हुई है। हम इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या ये चलता है कि नहीं चलता है। चलिए तो रेंज में चलते हैं टेस्ट करने के लिए। ये टारगेट सेट किया है हमने इस पिस्टल के लिए और 15 मीटर से ये टेस्ट फायर कर रहे हैं इसका। ये 0.22 की बुलेट डाली इसमें और ये इजेक्टर है ये, और ये ट्रिगर उठाया, ये डाला और ये एक और एक ये दो लग गया। बिल्कुल ये हिट हुआ है, जैसे 0.22 एयर गन हिट करती है वैसे हिट हुआ है ये, और बिल्कुल बढ़िया चालू कंडीशन में है पिस्टल ये।
कैसे बुलेट इसका खोखा बाहर आएगा, ये इसका मैकेनिज्म यहाँ पे आई, ये बाहर, ये इजेक्टर है इसका, ये बैरल लेंथ, जैसे कि 7.5 इंच बैरल लेंथ है तो निश्चित तौर पर इसकी ये रेंज भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये थी एक एंटीक पिस्टल पे वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।